चुनावी दौरा कर रहे हैं और चर्चा करने वाले हैं विधायक के इलेक्शन पर। डाकला गांव के ग्रामीणों से राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, डाकला गांव की आवाज आज के दिन क्या है? देखो, अभी तो कोई गर्मा गर्मी नहीं है, इलेक्शन जैसे नजदीक आएगा उस टाइम की बात है ये तो। अभी फिलहाल क्या माहौल चल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो गांव का मामला गांव में ही ठीक है, हम तो यही कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? किरसन जी। किरसन जी, हमारे दर्शकों क्या बताना चाहोगे आज के दिन? अभी विधायक के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कहीं ना कहीं टिकटें डिक्लेयर होने वाली है कैंडिडेटों की, तो कौन सी पार्टी का जनाधार ज्यादा है ढाकला गाँव में? देखो जी, अभी तो पहले तो टिकटें वितरण होने के बाद में ही अच्छी तरह माहौल का वो होगा, और फिर हमारे गांव से राष्ट्रीय सत्र के हमारे एक्स मंत्री भी रह चुके हैं, हम तो जी उनको ही बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, जहाँ तक हमारा हो सकता है वहाँ तक उन्हीं का सहयोग करेंगे जी। एक्स मंत्री का नाम? ओम प्रकाश धनखड़ जी। राम राम जी। राम राम जी भाई। राम। आपका शुभ नाम? राणा प्रधान बाबे पर से भाई। राणा जी, ढाकला गांव में और बाबेपाल गांव में, बाबेपुर गांव में क्या माहौल है आज के दिन? और विधायक के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का जनाधार ज्यादा? देखो भाई, यहां तो भाइयों तो रोक का पानी पीना आ जाए, एक आध बार सरपंच साहब दोहरा आ गए थे आज। रही बात माहौल की, वो गर्मा गर्मी तो इबे है नहीं जो आप पूछना चाहो, लेकिन मेरे गाँव का ज़्यादातर हमने तो बड़े इलेक्शन में भी भाई जिस तरह कांग्रेस को हुड्डा को सहयोग ज़्यादा कराया है के हमने तो 70% के आसपास दीपेंद्र हुड्डा को वोट करी। अब की बार इस छोटे इलेक्शन में कुछ न कुछ वोट बढ़ावेंगे भूपेंद्र हुड्डा की। तो कांग्रेस का जनाधार ज़्यादा? बिल्कुल, कांग्रेस का जनाधार ज़्यादा है के अब अपने गांव का रुझान है। मैं अपने गाँव का जटवाड़ा अगर दरपर बाबे पर का यहाँ भाई 24 घंटे बैठे उठे हैं, लोगों की बात सुना है, गरीबा में भी जावा हाँ उनकी भी सुने हैं के तो लगभग 70-75% के आसपास माहौल हमारा दीपेंद्र भाई की तरफ है भाई। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। आपका शुभ नाम जी? अजीत सिंह, एक्स मेंबर, और मैं ढाकला गाँव से हूँ। बहुत ही बहुत भावी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बार बने बने 100%। मेरी इतनी कौन राष्ट्रीय ओम प्रकाश धनखड़ बनाएगा रे, यो कहता होगा राणा भाई सरपंच साहब है होगा हमारी, हम यो अंगा लगा ले, हम लगा लेंगे बस, मारी ओढ़ते तो इनका 100% है यो भाई साहब। तो बता रहे कांग्रेस का जनाल आ जाता है, हम तो ओम प्रकाश का नहीं हूँ मैं। राणा जी। राम राम। क्या नाम? नमस्कार जी। नमस्कार। ईश्वर जी। ईश्वर जी, ढाकला गांव की क्या आवाज आज के दिन? मेरा गांव पटौदी के मास तिर पड़ी, और हम तो कांग्रेस गल सर, पहले भी कांग्रेस गल ले था कांग्रेस के साथ। हाँ, कांग्रेस गल। राम राम भाई। राम राम भाई। प्रधान हो ढाकला से, तो बताइए हमारे दर्शकों क्या आवाज है आज के दिन आपके इलाके की? भाई इब तो गुम सौदा है। चुप है सब कुछ? बिल्कुल गुम से है, इब तो डोर डोर चलन लग गया है भाई। आगे देखो देखो जनता ने फैसला करना है, जनता जो फैसला करेगी। एक्टिव पार्टी कौन सी है इस एरिया की? भाई एक्टिव की तो देखा आगे बता, मैं तो इस चीज में देखो मेरे गांव का है भाई है मेरा, देख मेरा तो आकुश्य पर जा है, मैं अपना भाइयों की बड़ाई करूँ, पर देखो जो जनता ने फैसला लिया। कौन है भाई? ओम प्रकाश धनखड़ भाई, मेरे गांव से है, इतना बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतनी बड़ा पूर्व नेता रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो उसके साथ हो? बिल्कुल बिल्कुल, अपने भाई के साथ है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम? मुकेश नाम से भाई, BDC मेंबर हूँ ढाकला गांव थे। तो बता दो एक बार अभी मेंबर साहब क्या माहौल है? माल भाई ओम प्रकाश धनखड़ हमारा गांव की शान से एक तरफा है। हाँ, शान से भाई, मारी गांव का नाम ऊंचा हो से, उसने ऊंचा उठावांगे हम तो भाई। ढाकला गांव एक तरफा उतरने वाला है भाई? नहीं तो पाया जाए करी वो अलग, हम तो अपना उड़ती साए भाई।